कल मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार मैं कितना गलत सोचता था माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, एक्सबॉक्स के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट कितनी अच्छी कंपनी है यार, $299 का प्राइस रखा है एक्सबॉक्स सीरीज एस का। एक नया कॉन्सोल है, बिल्कुल ब्रांड न्यू नेक्स्ट जनरेशन कॉन्सोल का प्राइसिंग इतना अच्छा इसलिए रखा है ताकि जितनी भी कंट्रीज हैं US के अलावा सब में प्राइसिंग एक अच्छी रहे, एक हेल्दी प्राइसिंग रहे, ताकि कॉम्पिटिशन बढ़े, अच्छे प्राइजेस पे लोगों को गेम्स खेलने को मिले। लेकिन आज सुबह एक दिन, मतलब 24 घंटे नहीं टिकने दिया माइक्रोसॉफ्ट ने, ये ख्याल मेरे दिमाग के अंदर, क्योंकि सुबह उठा हूँ अभी भाई, सुबह उठे हुए मेरे को भी आधा घंटा नहीं हुआ, कैमरा वैमरा सेटअप करके बैठ गया हूँ तुम्हारे लिए वीडियो बनाने के लिए। जिन लोगों को नहीं पता, जो मेरी तरह अभी अभी सो के उठे हैं और कुछ नहीं पता कि ये भाई ये क्या हो रहा है वीडियो के अंदर, तो मैं बता दूँ माइक्रोसॉफ्ट की फाइनल प्राइसिंग इंडिया के लिए भी ऑफिशियली आ चुकी है। एक्सबॉक्स सीरीज एक्स, इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही थी कि इस बार बहुत बजट कंसोल होगा ये, माइक्रोसॉफ्ट ने पिछली गलतियों से सीखेगा। इंडिया में प्राइसिंग रखी गई है 49,990 रुपीज, 10 रुपया कम 50,000 से। बस अब मैं क्या बोलूं, उसके बाद ये तो कुछ भी नहीं है। अगर इससे हैरान हो रहे हो तो और सुनो, एक्सबॉक्स सीरीज एस जिसके बारे में कल हम चर्चा कर रहे थे कि 22,000 रुपए की चीज है, कितनी महंगी हो जाएगी, कितनी 2,000-4,000 रुपए ऊपर हो जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होंगे भाई साहब। 35,000 रुपए में 10 रुपया कम, 34,990 रुपया आपको देना पड़ेगा एट लॉन्च एक्सबॉक्स सीरीज एस के लिए, जिसके अंदर आपको सीडी डालने को नहीं मिलेगी। 1440p 120fps कंसोल है वो, 4K कंसोल भी नहीं आप स्केल करेगा कहीं जाके वो। 35,000 रुपए यार भाई, मतलब एकदम वो वाली बात हो गई ना, जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए, मतलब वही हर चीज ही पलट दी भाई। एक दिन के अंदर, एक दिन ने टिकने दिया भाई, एक दिन ने टिकने दिया, मतलब लिटरली आई एम शॉक्ड, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। और ये बात मैंने TechFM के साथ एक वीडियो जो मैंने बनाई थी जिसमें हमने वर्चुअली कोलैब किया था, उसमें मैंने बोला था TechFM को, मनोज भाई को मैंने बोला था कि यार हमारी किस्मत जो है ना, इंडियंस की, हमारी किस्मत में हर चीज महंगी ही लिखी हुई है। $999 का फोन जो कि होना चाहिए 73,000-75,000 का, वो मिलता है हमें 110,000 रुपये में, तो ये चीज़ें कैसे सस्ती हो जाएंगी। वो कह रहे थे नहीं नहीं यार, बी पॉजिटिव, हो जाएगा सस्ता यार, 50,000 रुपये की चीज़ नहीं लॉन्च होने वाली, 40-45 का रेट रहेगा। वो तो PlayStation 5 की बात कर रहे थे, लेकिन Xbox सीरीज X के मामले में मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ। Xbox One जब लॉन्च हुआ था 2013 में, जब उसकी प्राइसिंग आई थी, उसकी सेम प्राइसिंग थी $499, जो इस बारी Xbox सीरीज X की प्राइसिंग है, लेकिन इंडिया में तब वो लॉन्च हुआ था एट अ रिटेल प्राइस ऑफ 40,000 रुपीस, सिर्फ 40,000 रुपीस। आज की डेट में सेम प्राइसिंग US के अंदर है, लेकिन Xbox सीरीज X लॉन्च हुआ है 50,000 रुपए का, 10,000 रुपए आगे। भाई समझ ही नहीं आ रहा। अब लोग कहेंगे भाई GST का नाम सुने हो, 18% 28% ये वो, भाई मुझे पता है बेस प्राइजेस कंपनियां कम कर सकती हैं, अगर GST को कंपनसेट करना था तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अपना बेस प्राइस कम कर सकती थी, और ये चीज़ उन्होंने सर्फेस प्रो लैपटॉप्स के अंदर करी थी, और ये बात मैंने, ये न्यूज़ मैंने पढ़ी थी। ऐसे बहुत सारे लैपटॉप वाली कंपनीज भी ऐसा करती हैं कि वो अपना बेस प्राइस रिड्यूस कर सकती हैं, अगर जो टैक्सेस लग रहे हैं वो एंड कस्टमर को पे करने पड़ रहे हैं ज़्यादा, तो बेस प्राइजेस प्रोडक्ट्स का कम हो जाता है। लेकिन नहीं, ये तो गेमिंग चीज़ है भाई, भाई ये ऐसी अगर चीज़ें चलती रही ना, अब मैं मतलब क्या बोलूं भाई। कल हम सोच के बैठे थे कि 27,000 रुपये में यार एक नया कॉन्सोल मिल जाएगा, चलो ठीक है PlayStation 5 अगर नहीं भी आएगा इतने में, कम से कम एक बजट ऑप्शन तो होगा लोगों के पास जिसमें थर्ड पार्टी गेम्स, जितनी भी लेटेस्ट थर्ड पार्टी गेम्स होंगी वो तो एंजॉय कर पाओगे। अगर एक्सक्लूसिव नहीं खेल पाओगे PlayStation की तो वो भी कोई बात नहीं, एक हेल्दी मार्केट होगी भाई, आपके पास एक ऑप्शन होगा। लेकिन अब वो ऑप्शन के भी चीथड़े उड़ गए, 13,000 रुपये महंगा भाई, 22,000 रुपये में US में मिलेगा और 13,000 रुपये ऊपर देखें इंडिया में। भाई US में जिसके कजन्स रहते हैं ना, चाचा फूफा ताऊ, सबको भाई सबसे बात करनी शुरू कर दो, चलो जल्दी से फ़ोन वोन व्हाट्सएप मैसेज शुरू कर दो, हाय आप कैसे हो, हाय कैसे हो, आप क्या शिप करवा सकते हो चीज़ें, ऐसी ऐसी बातें करनी शुरू कर दो भाई। अब PlayStation 5 की प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। Xbox One ने तो सेम प्राइस रखा है डॉलर्स के अंदर जो 2013 में था $499, और उसके कंपैरिजन में PlayStation 4 लॉन्च हुआ था एट $399। तो अगर इस बारी भी ऐसा कुछ होता है, सोनी अपनी प्राइसिंग कम रखता है Xbox के कंपैरिजन में, तो हो सकता है आपको $399 में अगेन देखने को मिल जाए। लेकिन इंडिया में उसकी क्या प्राइसिंग रहेगी, अब तो भाई मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा भाई, मेरा तो भाई जिपर एकदम शश, क्योंकि
यहाँ पे हो सकता है कि फिर अगेन आपको थोड़ा सा महंगा देखने को मिले। 50,000 रुपये का भी अगर आपको प्ले स्टेशन 5 मिलता है, मेरे ख्याल से स्टिल इट्स वर्थ इट। डिजिटल एडिशन कितना सस्ता होगा, अब यहाँ पे 35,000 रुपये का, तो वो भी 40 के आसपास का तो होगा ही। अब ये सब यार अब टाइम की बात रह गई है, बस मेरे ख्याल से अब कुछ ही दिनों के अंदर आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा प्ले स्टेशन 5 के प्राइसिंग के बारे में। हो सकता है आज या कल में ही पता चल जाए, हो सकता है वीडियो बनाते ही कुछ सोनी अनाउंस कर दे। और एक और न्यूज सामने आई है कि सोनी इज कंसिडरिंग कि हम अगर हर पीस पे कुछ लॉस भी ले सकते हैं तो हम लेंगे, बट वी वॉन्ट प्ले स्टेशन 5 टू रीच एज मैनी कस्टमर्स एज पॉसिबल। लेकिन ये वाली थ्योरी जो लीक से ऐसी चीज़ें सामने आ रही है, मुझे लगता है कि ये सच है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सोनी ओपन प्री ऑर्डर सकता सबके लिए, इनवाइट ओनली सिस्टम नहीं। तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन वाला माहौल है यार। एक तरफ प्ले स्टेशन 5 के पास पीसीज नहीं है बेचने के लिए, उनका प्राइसिंग नहीं पता, एक्सबॉक्स सीरीज एक्स ने और एक्सबॉक्स वन एस ने, एक्सबॉक्स सीरीज एस ने, मतलब यार ये एक तो एक कन्फ्यूजन है भाई, इनके नामों में इतनी कन्फ्यूजन है। एक तो यार इतना कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया, प्ले स्टेशन के पास प्री ऑर्डर्स के लिए पीसीज नहीं है, ओपन प्री ऑर्डर्स वो कर नहीं सकते, इनवाइट ओनली सिस्टम है, और यहाँ पे भाई 50,000 रुपये 35,000 रुपये ऐसे दे दो जैसे जेबों में 3-4 करोड़ रुपए पड़े हैं, दे दूँ क्या भाई, मतलब सब यही बोल रहे हैं। और भाई क्या कहना है आपका कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ यार। आई डोंट थिंक दिस इज एट ऑल जस्टिफाइड, ये बहुत नाइंसाफी हुई है भाई इंडियन प्राइस में, और इसको कम होना चाहिए। और इतने प्राइस पे क्या आप एक्सबॉक्स सीरीज एस खरीदोगे या फिर सीरीज एक्स खरीदोगे, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और कौन कौन वेट कर रहा है प्ले स्टेशन 5 की प्राइसिंग का, मैं तो भाई सबसे आगे खड़ा हूँ लाइन में, मुझे तो बस पता चल जाए कि भाई क्या प्राइसिंग है। आई होप कि कुछ अच्छी प्राइसिंग ही सामने निकल के आए। एंड भाई प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं एक और वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक टेक केयर एंड बाय।